हेलो एंड वेलकम टू एसजीआर एजुकेशन। एसजीआर एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है नवीन साख। हिस्ट्री ऑफ वेन डायग्राम टॉपिक रहेगा। सबसे पहले आप मेरे को मैं बताना चाहता हूँ कि 16 सितंबर को और 17 सितंबर को पेपर वन और कॉमर्स का लाइव टेस्ट होने वाला है, एन अकेडमी स्कॉलरशिप टेस्ट, जिसमें आप सभी पार्टिसिपेट कर सकते हैं और रैंक 1, 2, 3 को 10,000, 8,000 एंड 6,000 रुपीज़ के वाउचर्स जो है वो मिलेंगे। तो पेपर वन को अटेम्प्ट करिए। ये एक ऑल इंडिया मॉक टेस्ट है NTA UGC नेट के पेपर से पहले आपकी फाइनल प्रैक्टिस करवाने के लिए। कॉमर्स का 17 सितंबर को है और पेपर वन का 16 सितंबर को। इसका लिंक मैं आपको टेलीग्राम में दे दूंगा और मेरे टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो आपको पहले कमेंट में मिल जाएगा। वहां से टेलीग्राम को ज्वाइन करके आपको ये पोस्ट मिल जाएगी। इसमें एनरोल करना और कोड डालना SGRYT, जो मेरा कोड है, जिसके थ्रू आप एनरोल कर पाएंगे। और अगर आप में से कोई भी प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहता है पेपर वन और कॉमर्स का, तो आप इस सब्सक्रिप्शन को ले सकते हैं। इस कोड के साथ 6 मंथ, 12 मंथ और 24 मंथ के सब्सक्रिप्शन भी आपको 10% जो है वो ऑफ मिल जाएगा। सबसे पहले जानते हैं हिस्ट्री ऑफ वेन डायग्राम्स में। जो पहली चीज आपने सुना होगा बहुत बार, जॉन वेन का नाम आता है वेन डायग्राम के साथ जोड़ के। लेकिन इससे भी एक जरूरी चीज यहाँ पे ये है कि जो इंग्लिश लॉजिशियन जॉन वेन थे, उन्होंने पॉपुलराइज किया था, जबकि इसको बनाने वाले जो थे हालांकि उन्होंने इसको नाम भी जो है वो यूलरियन सर्कल्स ही दिया था, क्योंकि जो स्विस मैथमेटिशियन थे लियोनार्ड यूलर, उन्होंने क्रिएट किए थे इसी तरह के डायग्राम्स को 1700 में। अब एक बात यहाँ पे आती है कि जो टर्म वेन डायग्राम है ये 1918 तक अपियर नहीं हुई थी, जब क्लेरेंस लेविस जो थे, जो कि एक अमेरिकन एकेडमिक फिलोसोफर थे और फाउंडर थे कंसेप्चुअल प्रैग्मेटिज्म के, उन्होंने सर्कुलर डिपिक्शन की थी एज दी वेन डायग्राम इन हिज बुक, और उनकी किताब का नाम था सर्वे ऑफ सिम्बॉलिक लॉजिक। आपने देखा होगा ये क्वेश्चन आया था 2021 के पेपर में, पेपर वन में। तो वेन ने जो है स्टडी किया था और पढ़ाया था लॉजिक और प्रोबेबिलिटी को कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में, और जहाँ पे उन्होंने ये डेवलप किया था तरीका कि डायग्राम्स को कैसे यूज़ किया जाए और इलस्ट्रेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाए। मैथमेटिक्स बेसिकली वो पढ़ाते थे सेट थ्योरी के रूप में, तो वहाँ उन्होंने वेन डायग्राम को सबसे पहले यूज़ किया था। उन्होंने कई जो है पब्लिश किए काम जो है इस दौरान, जिसमें कि लॉजिक ऑफ चांस था जो एक्सप्लेन की गई थी फ्रीक्वेंसी थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी के थ्रू, और उन्होंने उसमें आर्ग्यू भी किया था कि जो प्रोबेबिलिटी है कंट्रारी टू द पॉपुलर अजम्पशन शुड बी एस्टैब्लिश्ड बेस्ड ऑन द रेगुलरिटी विच समथिंग इज प्रेडिक्टेड टू अकर। तो पॉपुलर पे नहीं जाना है। प्रोबेबिलिटी थ्योरी में इन्होंने ये कहा था कि कोई चीज़ कितनी रेगुलरली अकर होती है उसके बेसिस पे हम बताएंगे कि इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी क्या है, जो कि एक बहुत अच्छा लॉजिक था उस टाइम पे। उनकी एक किताब थी सिम्बॉलिक लॉजिक, उसमें भी वेन ने जो है वो बिल्ड किया था, और जो है एंड डेवलप मैथमेटिशियन जॉर्ज बूल्स थ्योरी ऑफ एल्जेब्रा इन्होंने दी थी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट व्यक्ति थे और यूलरियन सर्कल्स ईमानदार भी बड़े थे, मतलब कि उन्होंने यूलरियन सर्कल्स को देखा था, तो फिर उन्होंने अपना नाम नहीं दिया था, लेकिन 1918 में ये चीज़ अपीयर होती है। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको, अगर आप वेन डायग्राम नहीं जानते हैं कैसे बनते हैं, तो मैं सिखाता हूं कि देखिए मान लीजिए कि एक यूनिवर्स है और पेट्स में, एंड हम ये कंपेयर करना चाहते हैं कि किस तरह का पेट जो है एक फैमिली एग्री करेगी लेने के लिए। तो सेट ए कहता है कि मेरी प्रेफरेंस है डॉग, बर्ड और हैमस्टर, ठीक है, बर्ड, हैमस्टर और डॉग, इस तरीके से आप बना देंगे। सेट बी जो है कहता है, फैमिली मेंबर बी, कि उसके प्रेफरेंसेस है डॉग, कैट, फिश, और सेट सी कंटेन करता है फैमिली मेंबर जो सी के प्रेफरेंसेस है डॉग, कैट, टर्टल और स्नेक। तो अब यहाँ पे ऑब्वियसली बात, आपको क्या कॉमन लग रहा है, डॉग कॉमन है सब में, तो वेन डायग्राम भी कॉमनैलिटी को दर्शाते हैं, जो कि इन तीनों बंदों के ओपिनियन में तो ये 100% होगा कि ज़्यादातर जो है आपकी फैमिली डॉग के साथ ही ऐसे पेट जाने वाली है। इसी तरीके से वेन डायग्राम का ये पर्पस और बेनिफिट भी होता है कि वेन डायग्राम ना रिप्रेजेंट करते हैं। और मैंने हालांकि लॉजिकल रीजनिंग के कोर्स में आप चेक करोगे तो वेन डायग्राम का पूरा 12 कंसेप्ट आपको पढ़ा रखे हैं 6th या 7th लेक्चर में। LR की प्लेलिस्ट में देखना, पूरा लॉजिकल रीजनिंग का कोर्स ही करवा रखा है, तो उसमें मैंने मर्जिंग कॉन्सेप्ट और आपको जो है पॉसिबिलिटी कॉन्सेप्ट और 12 ये कॉन्सेप्ट वेन डायग्राम के पूरा टॉपिक करवा रखा है। तो वेन डायग्राम रिप्रेजेंट करते हैं, तो उनका फायदा क्या है, ऑब्वियसली आप विजुलाइज कर सकते हो और विजुअली ऑर्गेनाइज कर सकते हो इन्फॉर्मेशन को, रिलेशनशिप देखने के लिए बिटवीन द सेट ऑफ आइटम्स और जो कॉमनैलिटीज हैं, जो डिफरेंसेज है, जैसे हमने अभी देखे। और साथ ही साथ ये भी चीज़ है कि दो या दो से ज़्यादा अगर चॉइसेस आपके पास है, तो आप उनको कंपेयर कर सकते हो कि क्या कॉमन आ रहा है, जैसे इस केस में हमने देखा, डिस्टिंग्विश कर सकते हो, फर्क कर सकते हो, और उसके अलावा मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर सकते हो और कंपेयर कर सकते हो अलग अलग डेटा सेट्स को भी वेन डायग्राम के थ्रू। और साथ ही साथ जो है लॉजिक आप कहीं ना कहीं इस्तेमाल करके बेसिकली स्टेटमेंट्स वगैरह में, इक्वेशंस में इसको यूज़ कर सकते हो। तो होपफुली ये लेक्चर आपको बढ़िया लगा होगा, एंड टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे मैंने इस टेस्ट का लिंक दे रखा है, इस टेस्ट को ज़रूर दीजिएगा। 16 सितंबर को 7 बजे है ये टेस्ट, और सब्सक्राइब करिए चैनल को।